चाहिए कम समय में लंबे घने बाल तो अपना ये आसान और बेहतरीन उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगन सर में एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। खूबसूरत बाल हर किसी के व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल बढ़ते ही नहीं या फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। छोटे बालों को लंबा करने के लिए आप बहुत से उपयोग करते होंगे। कभी बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथते हैं तो कभी पार्लर के महंगे महंगे पैकेज पर जेब खाली करते होंगे, मगर इसके बाद भी बालों के लंबा होने की कोई गारंटी नहीं मिलती होगी। अगर हम आपसे कहें कि अब आप बिना ये सब किए खुद घर पर बैठकर ही अपने बालों को लंबा कर सकती हैं, तो वो भी कुछ महीनों में, तो क्या आप विश्वास करेंगी? जी हाँ, ये सच है। आपके घर पर ही ऐसे कई उपाय मौजूद हैं जिनकी मदद से महीने भर में आप अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं वह कौन से तरीके हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। बाल लंबे करने के नुस्खे में आंवला बहुत ही उपयोगी होता है। आंवले में विटामिन पाया जाता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आंवले के इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले एक लोहे की कड़ाही लें और फिर उसमें बालों की लंबाई के हिसाब से आंवले का पाउडर डालें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस तैयार आंवले के पेस्ट को रात भर उस कड़ाही में रहने दें। सुबह इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लें और एक हफ्ते तक इसे इस कड़ाही में रहने दें। एक हफ्ते बाद इस पेस्ट को देखेंगे तो यह पूरी तरह से काला और थोड़ा लचीला हो जाएगा। इसके बाद इसे अपने बालों में अच्छे से लगाएं। इससे आपके बाल काले तो होंगे ही, साथ ही लंबे और घने भी हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर आप 2 से 3 बार आजमाते हैं तो आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले और घने बन जाएंगे। दूसरा उपाय, बाल लंबे करने के लिए सेब का सिरका। आपके द्वारा की जाने वाली सिर की प्रत्येक धुलाई के साथ ही आपके बालों से प्राकृतिक तेल पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, जिससे सर्दियों में आपका सिर और बाल सूक्ष्म हो जाते हैं। सेबम उत्पादन को समान करने के लिए आपके बालों को अम्लीय पदार्थ के साथ धोया जाना चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए आप सेब का सिरका का उपयोग कर सकते हैं। यह बालों से गंदगी, धूल और शैम्पू डिटर्जेंट आदि को दूर करता है और बालों के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे आपके बालों में प्राकृतिक चमक मिलती है और साथ ही उनका झड़ना भी कम हो जाता है। तीसरा उपाय, बाल बढ़ाने की विधि का उपयोग करें कड़ी पत्ता के द्वारा। बाल बढ़ाने के लिए प्रयोग करें करी पत्ता। करी पत्ता का रस बालों में लगाने से बालों में चमक और मजबूती आती है। करी पत्ता लगाने के लिए आप करी पत्ता को नारियल के तेल के साथ गर्म करें और इसे छान कर रख लें। जब यह ठंडा हो जाए तो अपने बालों की जड़ों तक अच्छे से मालिश करते हुए लगा लें और कम से कम 60 मिनट के बाद इसे पानी से धो लें। ऐसा करने से आपको बालों को करी पत्ते के फायदे मिलेंगे। बता दें कि यह प्रोटीन और बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है जो कि बालों को सफ़ेद होने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा उपाय, बाल लंबे करने की विधि नारियल के तेल के द्वारा। बालों के विकास में नारियल का तेल बेहद खास भूमिका निभाता है। बता दें कि नारियल के तेल में फैटी एसिड होते हैं और यह बालों में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। अपने बालों के कंडीशन के आधार पर आप इसका उपयोग करें। आपके बाल ड्राई हैं या फिर ऑयली हैं? यदि आपके बाल ऑयली हैं तो आप इसे कुछ घंटों या फुल नाइट के लिए धो लें, लेकिन आपके बाल ड्राई हैं तो आप इसे लीव इन ट्रीटमेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से आपके बालों में शाइनिंग और मजबूती आने लगती है। पांचवा उपाय, नेचुरल शैम्पू से बाल बढ़ाने का तरीका। बालों को नेचुरल रूप से धोने के लिए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी सूखा आंवला, एक मुट्ठी रीठा और एक मुट्ठी सिकाकाई लेकर 1 लीटर पानी में भिगो देना है और फिर इसे रात भर के लिए छोड़ दें और अगले दिन इस पानी को तब तक उबालें जब तक यह पानी आधा ना हो जाए। फिर ठंडा होने के लिए इसे रख दें और उसके बाद जो पानी में मौजूद रीठा और सिकाकाई है उन्हें अपने हाथों से अच्छी तरह से मसल लें और फिर उस पानी को छानकर एक बोतल में स्टोर कर लें। यह आपका एक नेचुरल शैम्पू बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे बालों को कोई भी हानिकारक दुष्प्रभाव से नहीं गुजरना पड़ता है
और यह एक माइल्ड शैम्पू भी बन जाता है। आप इसे हफ्ते में लगभग दो बार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल तरीका है और इनसे आपके बाल काले, लंबे, घने, मजबूत हो जाते हैं। ये बाल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। छठा उपाय, एलोवेरा जेल से बाल होते हैं लंबे। एलोवेरा एक ऐसा पौधा होता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के औषध के रूप में किया जाता है। एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व तो बालों को लंबा करने, काला करने तथा घना बनाने के साथ उन्हें सिल्की और शाइनी भी बनाते हैं। यदि सिर में रूसी है तो एलोवेरा रूसी को खत्म करने में कारगर भी होता है। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक एलोवेरा पल्प, एक कटोरी और एक ब्रश की। सबसे पहले एलोवेरा को चाकू से काटकर उसमें से सफ़ेद गूदे को निकाल लें, फिर उस सफ़ेद गूदे को कटोरी में जेल बना लें। इस जेल को ब्रश की सहायता से या फिर हाथों से बालों की जड़ों तक मसाज करके लगभग एक घंटे तक लगाए रखें। जब जेल सूख जाए तो बालों को शैम्पू से धो लें। इससे आपके बाल काले, लंबे, चमकदार बनेंगे और साथ ही लंबाई में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको दोस्तों इस सावधानी पर ध्यान देना होगा, यदि आपके बालों में खुजली की समस्या है तो एलोवेरा का प्रयोग करने से पहले उसे सिर में कहीं पर चेक अवश्य कर लें। यदि आपको और खुजली की समस्या होने लगे तो तुरंत बालों को धो लें। धन्यवाद।